बड़ा मौका दिया है, आप बहुत पुण्य कमा सकते हो, बड़े बड़े काम कर सकते हो, गरीबों को का उद्धार कर सकते हो, बीमार लोगों का उद्धार कर सकते हो, जो बच्चे गरीब है उनको अच्छी शिक्षा दिला सकते हो, बहुत बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे काम आप कर सकते हो। बहुत सारा काम ऐसे होते हैं जो हम फिजूल खर्ची कर देते हैं, जिसकी गांव को जरूरत नहीं है। जैसे गांव के बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन शहरों में दिल्ली में हम देखते हैं कई बार नीचे के लेवल पे कई अफसर जो हैं जेईई कुछ, वो क्या करते हैं, एक ही फुटपाथ तोड़ तोड़ के दोबारा बनाते रहते हैं। कई काम ऐसे जो होते हैं जो कागजों में होते रहते हैं, जनता को पता ही नहीं चलता। वो सारी चीजें अगर आप ग्राम सभा में, गांव सभा में, गांव की संगत में रखोगे, कोई बेईमानी नहीं हो सकती, कोई गलत काम होगा ही नहीं, देख लेना आप। सारे काम ईमानदारी से होंगे तो फिजूल खर्ची भी बच जाएगी। जब पूरे गांव की संगत कहेगी हमें ये काम कराना है, वही काम कराओ, दूसरा कोई काम मत कराओ। मैं मानता हूं कि सरकार में पैसे की कमी नहीं है, नीयत की कमी है। अच्छी नीयत से काम करोगे, संगत के साथ बैठ के काम करोगे, आप देखोगे आपके गांव में किसी चीज की कमी नहीं होगी। पूरे देश के अंदर मैं कई ऐसे सरपंचों को जानता हूं जो एक बार सरपंच बने और उन्होंने पूरे गांव का तकदीर बदल दी, हुलिया बदल दिया उन्होंने अपने गांव का पूरा गांव बदल गया उनका। सरपंच के अंदर इतनी ताकत है और सरपंच की इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, अगर वो चाहे तो 5 साल के अंदर गांव का हुलिया बदल सकता है। और इतनी इज्जत मिलेगी आपको, इतनी इज्जत मिलेगी, इतना आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा आपको लोगों की सेवा करके। उसके बाद आपका कभी मन ही नहीं करेगा कि मैं एमएलए बन जाऊं, मंत्री बन जाऊं, आपको गांव के अंदर इतनी सुख और शांति मिलेगी। तो आज मैं बस आप लोगों से मिलने के लिए आया था। मुझे पता चला कि आज यहां पे शपथ ग्रहण समारोह है, सौचुक समागम है, मेरा आप लोगों से मिलने का मन था। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं पंजाब सरकार का, जो आज मुझे इस मौके पे बुला के आप लोगों से बातचीत करने का मौका दिया। और पंजाब सरकार आपको, जैसे अभी मान साहब का मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा एक बार आप सरपंच बन गए, अब हमारे लिए, पंजाब सरकार के लिए आप कांग्रेस के सरपंच नहीं हो, आप आम आदमी पार्टी के सरपंच नहीं हो, आप कोई अकाली दल के सरपंच नहीं हो, आप अपने गांव के सरपंच हो, हम आपके किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेंगे, आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, कुछ भी काम हो आप हमारे पास आओ, हम आपको पूरी सपोर्ट करेंगे, किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे, बशर्ते आप अच्छे से काम कर रहे हो। और एक चीज जो बहुत जरूरी है, जो जिम्मेदारी नशा खत्म करने की आप निभा सकते हो वो कोई नहीं निभा सकता। पंजाब में नशा बहुत है, उसके लिए पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस अपने स्तर पे काम कर रही है, लेकिन आपकी मदद के बिना वो सारे प्रयास अधूरे रह जाएंगे। अपने गांव के अंदर आपको जितना पता है कि कौन नशा बेचता है पूरा गांव जानता है, वो नशा कहां से लाता है पूरा गांव जानता है, वो आगे कहां से लाता है पूरा गांव जानता है। आप ऐसे ऐसे लोगों को पकड़ पकड़ के पुलिस के हवाले करो, अगर पुलिस एक्शन नहीं लेती आपकी शिकायत पे हमें बताओ, जो पुलिस एक्शन नहीं लेती हम पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन आप हमें बताओ, हम सब मिलके, पंजाब के सब लोग मिलके, सारे सरपंच मिलके, गांव की संगत के साथ मिलके, पंजाब के गांव गांव से, कोने कोने से हम लोग नशा खत्म करेंगे। मैं आज आप सब लोगों को बधाई देता हूं सर।